इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पलटवार कर दिया। पीएम मोदी पकड़े गए इसीलिए इंटरव्यू दे रखे हैं। राहुल गांधी ने कहा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी हैं। तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार भी कर दिया, कहा कि पीएम मोदी इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर इसके मास्टरमाइंड इसीलिए इंटरव्यू दिया थे क्योंकि पकड़े गए। Electoral bond is a very transparent thing. Everybody knows who has donated what. And now, भैया electoral bond की बात पता क्या है? उसमें ना जरूरी बात है नाम और तारीखें, dates. अगर आप नाम और तारीख को देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि जब उन लोगों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया है, उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई है। तो ये प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए ये एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सुनो, ये पकड़े गए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आप उनकी आंखों में देखें, मैंने देखा नहीं है, मगर अगर आप उनके एएनआई के इंटरव्यू में उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको वो झलक दिख जाएगी। राहुल जी कह रहे हैं जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं ना, वो कहेंगे बाद में पछताएंगे इस स्कीम के लिए। नहीं, विरोध की बात नहीं है। देखिए, आप प्रधानमंत्री से कहिए कि वो ये समझा दें कि एक दिन सीबीआई की इंक्वायरी शुरू होती है, उसी के एकदम बाद उनको पैसा मिलता है और उसी के एकदम बाद सीबीआई इंक्वायरी बंद हो जाती है। पहले ये समझाएं। दूसरी बात, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंपनी पैसा देती है, उसके एकदम बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ये भी प्रधानमंत्री समझा दें। देखिए, सच्चाई है कि एक्सटॉर्शन है और नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरा मास्टरमाइंड किया। थैंक यू।